हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कि 5 मिनट में मीठा दही जमा कर दिखाएंगे। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमने डेयरी से 10 रुपए का दूध ले लिया है, जो कच्चा दूध है, जिसे गैस ऑन करके हमने एक बाउल में रख लिया है। अब उसे लाते ही तुरंत इसे बाउल में डाल देना है। फ्रेंड्स, इसको नॉर्मल टेम्परेचर नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर करेंगे तो दही बनना बिगड़ जाएगा। तो हम तुरंत इसे एक बाउल में डालेंगे। जैसे ही डालने के बाद गैस का फ्लेम जो है हाई कर देंगे और हमारा दूध जो है ऑटोमेटिक देखिए इस प्रकार से फट जाएगा। और इसे हम अच्छे से खोलने देते हैं हाई फ्लेम पे, दिखा रही हूँ मैं आपको। तो हम मीठा दही आपको बताएंगे फ्रेंड्स, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वीडियो को। देखिए बाउल आना स्टार्ट हो गया है हमारे दूध में। इतना मस्त हमारा दूध जो है दही की तरह फट गया है बिना कुछ किए हुए। देखिए इस प्रकार से फट गया है। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच के करीब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डाल देंगे फ्रेंड। उसके बाद शक्कर डालने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेंगे, ताकि हमारा शक्कर जो है अच्छे से पूरे दूध में एब्जॉर्ब हो सके। देखिए हमारा दूध जो है दही के आकार में आ गया है। देखिए कितना मस्त दूध जो है फट गया है और मीठा भी लग गया है इसमें अच्छे से। अब उसके बाद इसे हम 5 मिनट तक पका लेंगे। जितना भी ज़्यादा पानी होगा वो अच्छे से थिकनेस हो जाएगा फ्रेंड्स। अब उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद इसमें कुछ नहीं डालना है फ्रेंड्स, और इसमें सिर्फ इसमें डालना है पहले का दही। आपके पास है तो आप डाल देंगे, और नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मेरे पास 1 कप के करीब दही ऑलरेडी पहले से था, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब उसके बाद इसे मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स होने के बाद इसे मैं फ्रीजर में 5 मिनट के लिए ठंडे होने के लिए रख दूँगी फ्रेंड्स, ताकि जितना भी इसमें गर्माहट होगी तुरंत का तुरंत है, इसलिए इसे बहुत गर्म है। तो इसे मैं 5 मिनट फ्रीजर में रखूँगी तो पूरी ठंडी हो जाएगी मेरी दूध जो है। तो वीडियो कैसा लगा मैं आपको दिखाती हूँ दही को कितना मस्त बन के तैयार।